तो मैंने ये माइक मंगाया था क्योंकि अभी जैसे आपको पता है मैंने नया आईफोन 13 प्रो लिया है। तो आईफोन लेने के बाद से मेरे को सोच रहा हूँ कि थोड़ा जो वीडियो बनाने वाला चीज़ है वो मैं आईफोन से ही करूँ। इतना बड़ा कैमरा साथ में हर जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये है, मैंने मंगाया है रोड का वीडियो माइक MEL। ये क्यों मंगाया मैंने, क्योंकि ना ये डायरेक्टली इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लाइटनिंग पिन है डायरेक्टली। तो लाइटनिंग पिन का फ़ायदा ये है कि मैं सीधा इसको फ़ोन में लगाऊंगा यहाँ पे और कोई तार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ नहीं। तो छोटा सा सेटअप, मेरे को मिनिमल सेटअप चाहिए था तो मिनिमल सेटअप के हिसाब से ये सही लगा मेरे को। एक मिनट इसको खोल लेते हैं जल्दी से। कैसे खुलेगा भाई, मैं चाहता नहीं हूँ कि इसको फाड़ूँ बट मुझे लग रहा है कि और कोई तरीका है नहीं। तो चलो फिर करते हैं काम इसके साथ। तो डब्बा खोला, क्या क्या है डब्बे में वो दिखा देता हूँ मैं जल्दी से। अच्छा, ये इसके साथ ये विंडस्क्रीन भी आती है इसकी, बहुत ज़्यादा ही मोटी है यार ये तो। चलो वो देखेंगे बाद में। तो ये है माइक जिसकी मैं बात कर रहा था, ये माइक जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वैसे बहुत छोटा सा है, डिस्क्रीट सा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना बड़ा सेटअप लेके घूमूं और पब्लिक प्लेसेस में, थोड़ा अभी इतना यूज्ड टू नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से ये वाला ठीक रहेगा। तो लेट मी सी कैसे खुलेगा या खींचना है। अच्छा ओके, तो ये थी उसकी विंडस्क्रीन जो मैंने निकाल दी है, बहुत ही ज़्यादा मोटी है। आई डोंट थिंक मैं इतना प्रेफर करूँगा यूज़ करना। और ये देखो हाथ में, तो मैं इसका फ़ायदा जो आपको बता रहा था, इसका फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्टली आपके फ़ोन में ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फ़ोन की जो साउंड है उसको तो एनहांस करेगा ही। तो ऐसा लग गया है, दिस इज़ समथिंग इट लुक्स लाइक। रुको मैं आपको अपना माउंट भी दिखाता हूँ जिसके ऊपर ये लगाऊंगा मैं। ये है उलांजी की स्टिक जो मैंने खरीदी थी, थोड़ा टाइम हो गया इसको खरीदे हुए। तो मेरा आइडिया ये है, और ये स्टिक का एक फ़ायदा ही है कि यहाँ पे नॉर्मल अपना जो कैमरे वाला स्क्रू है वो है, आप यहाँ पे अपना कोई भी DSLR वगैरह या जो भी आपको सेटअप लगाना है वो लगा सकते हो इसके ऊपर। और ये फोल्ड होके आपका फ़ोन माउंट भी बन जाता है, तो एक में ही दो काम हो जाते हैं इसके। तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे इसको, हाँ कुछ इस तरीके से लगाएंगे इसको। तो आप देख सकते हो सेटअप कितने प्यार से चल रहा है। और ये माइक है, छोटा सा माइक, ज़्यादा डिस्क्रीट सा है, मतलब ज़्यादा ना आपको नोटिस नहीं होगा, तो उस हिसाब से एकदम सही है ये। तो करेंगे इसकी टेस्टिंग वगैरह भी, मैं डालता हूँ आगे के रिव्यूज़ भी कैसे लगते हैं तो वो सब भी डालेंगे। तो अभी के लिए यही है माइक। ये आइडिया तो है कि इसको अभी यूज़ करेंगे, ये मेरे को बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा क्योंकि इसमें दोनों काम हो जाते हैं। अगर आपको इसके ऊपर GoPro लगाना है तो माउंट लगाओ, जो भी इसका साइज है स्क्रू का वो वाला माउंट लगाओ, उसका माउंट आता है, GoPro भी लगा सकते हो। और ये ना थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, बट इट्स मोर देन इनफ। और इसके अंदर बॉल हेड है ऊपर, तो बॉल हेड भी है। और एक और बात, इसमें ये कोल्ड शू भी आता है, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ लगाना है तो कोल्ड शू भी आता है। बहुत सही स्टिक है ये, अगर आपको चाहिए तो लिंक विंक डाल दूंगा, पता नहीं इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं, क्या है स्कोप। ये है भाई जी माइक, बहुत छोटा सा माइक है। ऑब्वियसली ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और अच्छी बात है कि इसमें कुछ बैटरी वैटरी चार्जिंग वार्जिंग वो सब का इशू नहीं है, तो ये फ़ोन की बैटरी यूज़ करेगा और चलना शुरू कर देगा। विंडस्क्रीन है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा विंडस्क्रीन के साथ, तो देखेंगे जब बहुत ज़्यादा कहीं पे विंड चल रही होगी तो यहाँ पे उसको यूज़ कर लिया करेंगे। ओके गाइस, सो दिस वाज द रोड वीडियो माइक MEL। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डालता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ मेरे को फाइंड करने में, क्योंकि दिस इज़ ME लाइटनिंग यू गेट फॉर, आपको अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो MEC भी आता है एक, जो कि USB-C केबल के लिए होता है। दिस वन इज़ स्पेसिफिक फॉर iPads, iPods और iPhone। नए वाले iPad भी नहीं, क्योंकि नए वाले iPad तो USB-C से चलते हैं, पुराने वाले लाइटनिंग पोर्ट वाले सारे iPads और iPhones के लिए। तो ये मैंने लिया है अभी। और एक अच्छी बात है कि इसमें आप
ऑडियो आउटपुट भी है, तो अगर आपको सुनना चाहते हो तो यहाँ पे अपना हेडफोन लगा के सुन भी सकते हो कि ऑडियो कैसा आ रहा है। क्योंकि अभी आप देखोगे ना, तो अगर मेरे को इस फ़ोन पे ऑडियो का ये माइक लगाना है, अगर कुछ और लगाना है, तो मेरे को पहले यहाँ पे एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो इसका अडैप्टर आता है, क्योंकि अपना ऑडियो जैक तो है नहीं इसमें, तो कन्वर्टर लगेगा, फिर उसके ऊपर ऑडियो जैक लगेगा, वो फिर ये माइक लगेगा। तो तारे वारे एक्स्ट्रा, तारों को ही बचाने के लिए मैंने ये सिस्टम लिया है। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।